जल बीमा स्वास्थ्य एवं समाज सेवी संस्था पंचोक दरभंगा के तत्वावधान में पंचोक पंचायत के मुखिया राजीव कुमार के आवास पर चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। लहरिया से थाना क्षेत्र के इस्माइलगंज मोहल्ले के राम प्रकाश महतो के आवास पर डीएसपी दिलवाज अहमद गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उनके पुत्र अंगद महतो को एक पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 6 सितंबर को शिक्षक पदाधिकारी व कर्मचारी सम्मान समारोह का किया जाएगा आयोजन। शनिवार को बकरीद पर्व को लेकर शहर के विभिन्न मस्जिदों में की गई नमाज अदा। मां जानकी बाढ़ राहत सेना अभियान के तहत प्रखंड के फुलकाही मुसरी टोल व नया गाँव मसती स्थान के समीप राहत सामग्री का किया गया वितरण। और क्योटी में भी शांति एवं सौहार्द वातावरण में मनाया गया बकरीद पर्व, साथ ही एक दूसरे से गले मिलकर दिया गया बधाई। मुस्लिम भाइयों का पवित्र पर्व ईद उल अजहा झंझारपुर अनुमंडल में श्रद्धा के साथ जा रहा मनाया। बकरीद पर्व को लेकर 313 स्थानों पर रही कड़ी चौकसी। पूर्व मध्य रेल की ओर से दरभंगा से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस एवं सिकंदराबाद जाने वाली दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस को कर दिया गया रद्द। 4 निर्दोष लोगों पर जहर देकर हत्या करने के आरोप में बहादुरपुर के टीकापट्टी डकलू चौक पर माले नेता अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में किया गया धरना प्रदर्शन। बारिश की वजह से मस्जिदों में की गई नमाज की रस्म। बकरीद से पूर्व निगम कर्मियों के खाते में वेतन मद की राशि करा दी गई उपलब्ध, तो वहीं खाते में पैसा पहुंचने की मोबाइल पर मैसेज मिलते ही कर्मियों के चेहरे पर खुशी, तो वहीं खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मी अधिक प्रसन्न। एक बार फिर कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 1 सितंबर की शाम 4 बजे तक बागमती नदी बेनीबाद में लगातार 4 दिनों तक स्थिर रहने के बाद आज उसमें 8 सेंटीमीटर की वृद्धि, जबकि हायाघाट में यह 6 सेंटीमीटर घटकर खतरे के निशान से मात्र 3 सेंटीमीटर ऊपर। हायाघाट में अगर इसी रफ्तार से बागमती नदी तो अगले दिनों में मुंडा रेल पुल पर दबाव कम, जिससे ट्रेनों में दोबारा परिचालन की संभावना। एक बार फिर कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, जबकि बागमती और अधवारा का घटना जारी। 1 सितंबर की शाम 4 बजे तक बागमती नदी बेनीबाद में लगातार 4 दिनों तक स्थिर रहने के बाद आज उसमें 8 सेंटीमीटर की वृद्धि, जबकि हाया घाट में यह 6 सेंटीमीटर घटकर खतरे के निशान से मात्र 3 सेंटीमीटर ऊपर रही बह। हाया घाट में अगर इसी रफ्तार से बागमती घटी तो अगले दिनों में मुंडा रेल पुल का दबाव कम, जिससे ट्रेनों में दोबारा परिचालन की संभावना। बाढ़ से विस्थापित परिवार के लिए बकरीद का पर्व 30 की सौगात देकर आया। बकरीद पर्व को लेकर चारों तरफ चहल पहल, बाजारों में रौनक। मिलान चौक से लेकर करमगंज तक रैफ के जवान तैनात, शांति से मनी बकरीद पर्व। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। जीआरपी में तैनात होमगार्ड के जवान ने अज्ञात महिला की लाश को नदी में फेंका। जीआरपी में तैनात होमगार्ड के जवान ने एक अज्ञात महिला की लाश को नदी में दिया फेंक। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद मामला आया सामने। दोषी होमगार्ड के जवान अवधेश मिश्र को तत्काल प्रभाव से कर दिया गया निलंबित। शहर को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के नगर निगम के साथ सरकार भी संजीदा। वहीं जल निकासी के लिए शनिवार को पटना में हुई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 30 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाली विद्यालय खेल प्रतियोगिता बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए स्थगित कर दी गयी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 30 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाली विद्यालय खेल प्रतियोगिता बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए स्थगित कर दी गई। वहीं अब यह प्रतियोगिता 7 से 9 सितंबर तक पूर्व निर्धारित खेल मैदान में होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की डिग्री पार्ट 1 सत्र 2017-20 में नामांकन के लिए मेघा सूची का प्रकाशन। 8 सितंबर तक नामांकन, 11-20 सितंबर तक होने की जानकारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में डिग्री पार्ट 1 सत्र 2016-17 के परीक्षा की संभावित तिथि 20 सितंबर घोषित की गई।
मिथिला विश्वविद्यालय पीजी में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 5 से 15 सितंबर तक संभावित।